dear students, in our last video lecture we did words meanings of lesson number 3, Eid ul Azha, and today we will do translation. Let's start our translation. A festival, ek tehwar, or ya a culture, ek skafti event waqia is hai a celebration, takreeb of an occasion, ek mauke ki to create, paida karne ke liye sense, shaur of brotherhood, bhaichare ka, selflessness, begarzi ka, peace, aman and sacrifice kurbani ka among the people, logon ke darmiyan. एक त्यौहार या सकाफ़ती वाक़या किसी मौका पर जश्न मनाने का नाम है ताकि लोगों के दरमियान भाईचारा, बेगर्जी, अमन और कुर्बानी का शऊर पैदा हो. द सेलिब्रेशंस तकरीबात एलो इजाज़त देती हैं द पीपल लोगों को टू रिजॉइस खुशियां मनाने की देमसेल्फ इन्हें बाय लीविंग छोड़कर द डेली रोज़मर्रा की रूटीन मामूलात विच जो के हैव मेड बना दी हैं देयर लाइफ जिन्होंने बना दी हैं देयर लाइव्स उनकी जिंदगियां डल बेरंग एंड बोरिंग उकता देने वाली. ये तकरीबात लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी के वो मामलात जिन्होंने इनकी ज़िंदगी को बेरंग और उकताहट से भरपूर बना रखा है भुलाकर खुशियां मनाने का मौका फ्राहम करती हैं. डिफरेंट मुख्तलिफ नेशंस कौमें ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की हैव डिफरेंट रखती हैं मुख्तलिफ फेस्टिवल त्यौहार एंड कल्चर और सकाफ़ती इवेंट्स वाक़ियात टू सेलिब्रेट मनाने के लिए. दुनिया की मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ त्यौहार और सकाफ़ती वाक़ियात मनाए जाते हैं. मुसलमान ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के हैव रखते हैं टू फेस्टिवल्स दो त्यौहार विच जो के आर हैं सेलिब्रेटेड मनाए जाते हैं विद ग्रेट बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिवोशन मजहबी अकीदत के साथ. दुनिया भर के मुसलमानों के दो त्यौहार हैं जो के इंतहाई मजहबी अकीदत के साथ मनाए जाते हैं. वन इज़ नॉन एक जाना जाता है एज ईद उल फितर वाइल जबकि द अदर दूसरा इज़ नॉन जाना जाता है एज ईद उल अज़हा. एक त्यौहार ईद उल फितर जबकि दूसरा ईद उल अज़हा के नाम से जाना जाता है. ओके स्टूडेंट्स, टिल हेयर यू विल रिवाइज योर ट्रांसलेशन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.